स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों के लिए तैयार हो रहे खेल मैदान मल्टी एक्टिविटी से निखारेंगे अपनी खेल प्रतिभा। पढ़ाई के साथ साथ खेल की सुविधा भी मिलेगी। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने 15 जून के पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सेक्टर 6 स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों का भी लाभ मिलेगा। निगम आयुक्त ने कहा है कि सभी काम समानांतर करते हुए स्कूल खुलने के पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लें। जो कार्य बारिश के पूर्व किया जा सकता है वह अवश्य रूप से कर लिया जाए। बारिश के दिनों में भी निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। देखिए, माननीय महापौर नीरज पाल जी के निर्देश पर इंग्लिश मीडियम स्कूल के कंस्ट्रक्शन का काम हमारे भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 3 स्थानों पे निर्माणाधीन है। जो शासकीय स्कूल है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके जो निर्माण के काम है उसको लेकर के आयुक्त महोदय ने निरीक्षण किया है। और निरीक्षण में ये है कि 15 जून से जो स्कूल खोलने का जो बात आ रही है उसके तहत में आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी ऐसे निर्माणाधीन कार्य हैं, छोटे बड़े हों, जैसे भी हों, वो सब काम उनके लिए कम्प्लीट हो जाए ताकि स्कूल में अध्यापन कार्य जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न न हो। और इसके अलावा जो है खेल मैदान भी जो है विद्यार्थियों के लिए विकसित किए जा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल सुविधाओं का भी जो लाभ है वो विद्यार्थियों को मिलेगा। नगर निगम भिलाई के 3 शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भवन रिनोवेशन, निर्माण, खेल सुविधा एवं अन्य आवश्यक कार्य निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निरंतर मॉनिटरिंग से युद्ध स्तर पर हो रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों को शासन द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।